आने वाली है श्रद्धा कपूर हमारे बीच स्त्री थ्री लेके। आप सभी को पता ही होगा कि श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के स्त्री टू अभी बवाल काटे हुए है थिएटर में, और लोग स्त्री टू देखने के बाद जिस तरह से नए कैरेक्टर स्त्री टू में ऐड किए गए हैं वो देखने के बाद स्त्री टू का इंतजार कर रही है और बोल रही है अब कब तक स्त्री थ्री हमें देखने को मिलेगी। तो आपके लिए गुड न्यूज है क्योंकि स्त्री थ्री के लिए हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और कहीं न कहीं 2025 में हमें स्त्री थ्री देखने को मिल सकती है। दरअसल स्त्री के डायरेक्टर अमर कौशिक ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैंने स्त्री थ्री की कहानी स्त्री टू के वक्त ही लिख दी थी और कहीं ना कहीं मैं उस पे वर्क चालू कर चुका हूँ, और आपको स्त्री टू के लिए जितना इंतजार करना पड़ा था उतना इंतजार स्त्री थ्री के लिए नहीं करना पड़ेगा, और ऐसा हो भी सकता है। वो कैसे मैं आपको सब बताऊंगा, इससे पहले आप हमें सपोर्ट कीजिए और आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। दरअसल मैडॉक की अब अगली फिल्म होने वाली है थामा, जो कि आयुष्मान खुराना के साथ होगी और उनके अपोजिट हमें रश्मिका मंदाना इस मूवी में देखने को मिलेगी, और इस मूवी में कहीं ना कहीं हमें भेड़िया या मुंजिया का कैमियो देखने को मिलेगा। इसके बाद आएगी वरुण धवन की भेड़िया 2। भेड़िया के बाद स्त्री 3 की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और उसके बाद जल्द ही हमें स्त्री 3 थिएटर में देखने को मिलेगी, और मेकर्स की माने तो इस बार स्त्री 2 में जिस लेवल था उससे भी बड़ा लेवल स्त्री 3 का होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका बजट डबल होने जा रहा है, और कहीं ना कहीं स्त्री 3 में जो नए कैरेक्टर एड किए गए है अक्षय कुमार और उनका लेवल हाई होने वाला है। स्त्री 3 में हमें बॉलीवुड से कई सारे कैमियोज भी देखने को मिल सकते हैं, और इस बार कहीं ना कहीं स्त्री 2 ने 500 करोड़ कमाए तो स्त्री 3 1000 करोड़ लेके आ सकती है। 3 देखने के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्त्री 3 के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए आपके अपने भाई के चैनल पागल बॉलीवुड को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू मेरे भाई मेरे दोस्तों।